बुधवार शाम भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को बुरी खबर मिली जब ये बात सामने आई कि टीम इंडिया के नियमित रूप से कप्तान रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले एकमात्र टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। रोहित शर्मा को लेसेस्टर शायर के खिलाफ खेले गए अभ्यास मुकाबले में कोरोना होने की वजह से 1 जुलाई को खेले जाने वाले टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ा। रोहित के बाहर होने की वजह से अब टीम इंडिया की कमान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दी गई है, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह के इस मैच में कप्तान बनने के बाद भारतीय क्रिकेट में वो होगा जो आज से पहले भारतीय क्रिकेट के 91 सालों में नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस साल भारतीय टीम के लिए 5 कप्तानों ने टेस्ट और सीमित ओवर की क्रिकेट में कप्तानी की है। इससे पहले साल 1959 में भारतीय टीम के लिए एक कैलेंडर ईयर में 5 कप्तानों ने टीम के लिए कप्तानी की थी, जो साल 2022 से पहले तक एक रिकॉर्ड था। लेकिन अब जसप्रीत बुमराह के इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान बनते ही ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय टीम के लिए एक कैलेंडर ईयर में 6ठा कप्तान भारत के लिए कप्तानी करेगा। इससे पहले तक भारत के लिए सभी फॉर्मेट को मिलाकर 6 कप्तानों ने टीम इंडिया की कप्तानी नहीं की है। इस साल भारतीय टीम के कप्तानों की बात करें तो सबसे पहले केएल राहुल का नाम आता है, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेले गए दूसरे टेस्ट में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की कमान संभाली थी। इसके बाद तीसरे टेस्ट मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उस समय के नियमित कप्तान विराट कोहली टीम की कमान संभालने वापस लौटे। इसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी, जिसके बाद रोहित शर्मा तीनों ही प्रारूपों में टीम इंडिया के कप्तान बने। चौथे कप्तान की बात करें तो इस साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई घरेलू T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कप्तान बनाया था। वहीं हाल ही में आयरलैंड के विरुद्ध भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या थे, और अब जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड में भारत के लिए बतौर 6ठे कप्तान के रूप में नजर आने वाले हैं। उनके कप्तान बनते ही भारतीय क्रिकेट के 91 सालों में पहली बार होगा जब एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए 6ठा कप्तान कप्तानी करता दिखाई देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।